मतांच्या सौदागरामुळे तिहेरी तलाकची विधेयक संमत होण्यासाठी मोठा अडथळा निर्माण झालाय, अशा शब्दात भाजपचे खासदार गिरिराज सिंग यांनी शरद पवार यांच्यावर प्रतिहल्ला चढवलाय. शरद पवार यांची हल्लाबोल सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी मुस्लिम धर्मातील तिहेरी तलाक बाबत बोलताना तलाक हा कुराणचा संदेश आहे, तो बदलण्याचा अधिकार राजकारण्यांना नाही, असं वक्तव्य केले. यावर भाजपचे खासदार गिरिराज सिंग यांनी शरद पवार यांना मतांचे सौदागर असं म्हणत प्रतिहल्ला चढवलाय. जवळपास 22 मुस्लिम देशात तिहेरी तलाक संपुष्टात आलाय. भारतात मतांचे सौदागर तलाकच्या प्रक्रियेत सगळ्यात मोठा अडथळा आहेत. लोकसभेत दिल्याप्रमाणे काँग्रेसने तसेच इतर पक्षाने देखील समर्थन द्यावे, अन्यथा त्यांची दुतुंडी भूमिका जगासमोर येईल, असे गिरिराज सिंग यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मैं शरद पवार जी का सम्मान करता हूं कि एक वरिष्ठ नेता है देश के, लेकिन उनके इस वक्तव्य का मैं सिरे से खारिज करता कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री में 22 ऐसे देश हैं जहां तलाक के कानून खत्म कर दिए गए. क्या वहां शरीयत नहीं था? भारत के अंदर अगर सबसे बड़ा तलाक में बाधक है तो ये राजनीतिक दल वोट है. जो वोट वोट के सौदागर हैं वही इस तलाक को शरीयत से जोड़ रहे हैं. शरीयत में कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को उत्पीड़न किया जाए. देश और दुनिया की महिला आप देख रहे होंगे, ईरान में महिलाएं अब कार ड्राइव और कई चीज़ों के लिए फाइट कर रही हैं, हिजाब के अगेंस्ट में फाइट कर रही हैं महिलाएं. ये महिलाओं के ऊपर एक उत्पीड़न, उस उत्पीड़न को ख़त्म करने का काम भारत सरकार ने की है. राज्यसभा में मैं कांग्रेस से उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस इसे लोकसभा की तरह समर्थन दे, नहीं तो उनके दोहरे चरित्र, दोगले चरित्र सामने आएंगे.